सो गाइस, आज हमारे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया है। ये फ्लिपकार्ट का डब्बा और इसमें से मैजिक टेंग। तो गाइस, ये आप देख सकते हो, ये है वन प्लस का Z2। और इसके साथ क्या, ये तो ओपन बॉक्स डिलीवरी हुई थी, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा। इसका ओपनिंग जो कि हमको ओपन बॉक्स डिलीवर हुआ था, ये कैसे आया था, ये ऐसे ही आया था जैसे है, और इसको ही ओपन करके मुझे दिखाया गया था और मुझे दिया गया था। फ्रॉड क्या हुआ, मैं आज आपको दिखा देना चाहता हूँ। फ्लिपकार्ट फ्रॉड देख सकते हो, इसको मैंने ओपन घर पे लाके किया, क्योंकि हम रोड पे ये सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो कि अब मैं क्या ही बताऊँ कि ये सिर्फ फ्लिपकार्ट की जिम्मेवारी है और ये फ्लिपकार्ट को देखना पड़ेगा, राइट? तो इसको हमने ओपन किया घर पे लाके। तो सबसे पहले हमने इसको ओपन नहीं किया, हमने इसको ओपन किया, ये सब कुछ दुनिया भर की चीज़ें देखी, और फिर मैं शॉक कब हुआ पता है गाइस? इसको ओपन करा ऐसे प्यार से, ये यहाँ पे इसको खोलना पड़ता है, पर मुझे आइडिया नहीं था, मैंने तो ऐसे ही ओपन करा ऐसे, और मैंने इसको ओपन करा ऐसे। फिर मैंने सोचा कनेक्ट करके देखते हैं, बाकी लाइट वगैरह तो सब स्टार्ट थी, तो मुझे लगा कि बस भाई औसम ही चीज़ है। और हाँ, एकदम ब्रांड न्यू है, इसका कुछ भी स्टिकर वगैरह नहीं निकला है, हर तरफ से एकदम ओके है, कहीं पे भी डैमेज वगैरह नहीं। बस मैं शॉक कब हुआ पता है, ये मैंने ये साइड का जैसे ही ओपन किया, ये देख रहे हो, या तो इसका ग्लू निकल गया या तो ये डैमेज हुआ है, डैमेज ही हुआ है पूरी तरह से, देख रहे हो, ये देखो। और इसका ये पूरा ईयर यहाँ पे, तो अब ये किसकी ज़िम्मेदारी? मेरी ज़िम्मेदारी। 4,600 रुपये, मतलब 5,000 के आसपास के करीब। ये देखो, ये वाला ओके है, ये वाला एकदम ओके है, इसको मैंने यूज़ करके भी देखा, मस्त बज रहा है। और जब इसकी बारी आई तो भाई ये देखो, ये पूरा डैमेज है, पूरी तरह डैमेज। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, फ्लिपकार्ट ही को बोल सकता हूँ ना, फ्लिपकार्ट को कि भाई मैंने आपसे परचेस किया है और आपका प्रोडक्ट ऐसे होना चाहिए, पर ये तो ऐसे है, तब मेरी थोड़ी ना ज़िम्मेदारी है भाई, मैंने पैसे दिए हैं, ख़रीदे हैं, तो ज़िम्मेदारी तो फ्लिपकार्ट की बनती है। तो फ्लिपकार्ट डायरेक्ट बोलता है, नहीं सर, ओपन बॉक्स डिलीवरी था, इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते, और ये अब आपका प्रोडक्ट है, अब आपको देखना पड़ेगा, ये वो दुनिया भर की बातें मुझे बताई जा रही थी। तो मैं बोला ऐसा नहीं होता है। तो गाइस, आपको लगता है ऐसा होता है कि अब आपने प्रोडक्ट दे दिया, दिखा दिया, तो सारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई? अगर आप इनफ नहीं होता है, इनफ होता है तब जब आप पूरी तरह से उसको चेक कर दो, कस्टमर को एकदम सेटिस्फेक्शन दे दो कि हाँ ये देखिए ये प्रोडक्ट है, ये आप कनेक्ट करके देखिए, चार्जिंग करके देखिए, सब कुछ एच हो जाना चाहिए और सेटिस्फाई कस्टमर हो जाना चाहिए, तब आप प्रोडक्ट दीजिए ना। ये ओपन बॉक्स डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि आप ओपन करके दिखा दो, बस आपका काम ख़त्म हो गया? तो ऐसा नहीं होता है। फ्लिपकार्ट कंपनी के ऊपर मैंने कंज्यूमर हेल्पलाइन का केस किया है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का, ये मेरा डॉकेट नंबर है। मैंने वीडियो भी अपलोड किया है ट्विटर पे, अपने अकाउंट पे, ये आप देख सकते हो, पूरा का पूरा वीडियो अकाउंट पे मैंने रिलीज़ की है। और दूसरा, मैंने डिटेल सारे के सारे भरे हैं, अब उनकी तरफ से कॉल विल आए नहीं हैं अभी तक, बट अब आएंगे तो देखा जाएगा। बट हाँ, मैंने खुद ने ट्राई किया था और मैंने फ़ोन करके वो बोला कि सर ये प्रॉब्लम है कि अंदर से ये डैमेज था, तो वो उनका कहना ये है कि आपने वहाँ पे ओटीपी देते टाइम चेक नहीं किया, तो चेक
किया यार, तो आदमी और कैसे चेक करेगा, पूरा खोल वील के अंदर से पूरा तो डिटेल में चेक नहीं करेगा, देखेगा ऊपर से, हाँ ठीक है पैकिंग था, सील था, सब ठीक था, तो अब इंसान कैसे चेक करेगा? तो घर पे ही लाके चेक कर सकता है, रोड पे नहीं चेक कर सकता, कोई भी हो रोड पे नहीं चेक कर सकता, क्योंकि रोड पे सब गाड़ियाँ वीडियाँ आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्रदर्शन नहीं करना, हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो घर पे ला के तवज्जो से अच्छे से देखेंगे, फिर उसको बताएंगे ना कि हाँ आपके सामान में ये प्रॉब्लम थी, ये चीज़ें थी कि प्रॉब्लम हुई, और नहीं होती तो नहीं बताएगा। मैं तो हमेशा सामान वगैरह मंगाते रहता हूँ, प्रोडक्ट ऐसे नहीं कि नहीं मंगाता हूँ, प्रोडक्ट आते रहते हैं, और मंथ में 2 से 3 प्रोडक्ट तो हमेशा हमेशा आने आए। ये फ्लिपकार्ट को अगर वीडियो जा रही है तो फ्लिपकार्ट चेक कर सकता है मेरी आईडी कि कहीं से कोई चीज़ फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड आप लोग की तरफ से, शर्म करो फ्लिपकार्ट वालों, शर्म। 4604 या 6 रुपये मेरे उड़ाने के, आपको शर्म नहीं आती? मतलब इंसान अपने पैसे से ले रहा ना, तुम्हारे तुम तो फोकट में दे नहीं रहे हो, मेहनत हर कोई बंदा कर रहा है, तो फिर आप ऐसे नहीं कर सकते। तो अगर मेरे अगर गाइस आप लोग के साथ भी ऐसा ना हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ना शेयर करो, और बहुत ज़्यादा शेयर करो, ताकि इन लोग को अक़ल आए। ओपन बॉक्स डिलीवरी ठीक है, बहुत सही है, पर आप उसको चेकिंग करवाओ, सामने वाले को सेटिस्फेक्शन दो, तब जाके आप हाथ ऐसे उठा सकते हो कि हाँ हमने पूरी चेक करवाई थी, आपने यहाँ पे ये देखिए, आप पहले पूरी चेकिंग के बाद ही, सेटिस्फेक्शन के बाद ही, कस्टमर का वैल्यूएशन लेने के बाद ही आप उसको सामान प्रोवाइड करिए, फिर ओटीपी लीजिए। ओटीपी पहले ले ली जाती, सामान दे जाता है, चलो ठीक है सर आप चेक कर लेना, ठीक है हम निकल रहे, ये बात नहीं इनफ है। ओके, तो फ्लिपकार्ट प्लीज़ इस पर गौर करो, और मेरा या तो रिप्लेसमेंट करो या तो मेरे को मेरा पैसा रिटर्न करो। 4600 कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरे लिए है, लोग बाकी लोगों का तो पता नहीं, पर मेरे लिए है, क्योंकि भाई एक एक रुपए हर एक इंसान मेहनत से कमाता है। अब जिसके पास काला धन है वो तो बाकी, मुझे इतना पता है कि इसका मुझे पैसा रिटर्न मिल जाएगा, पैसे आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो मैं जो भी होगा अपनी तरफ से लीगल एक्शन लूँगा, और मेरा ये हक बनता है, कंज्यूमर का हक बनता है। या अब ये वीडियो यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, आप लोग भी प्लीज़ 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 शेयर करिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि अगर ये आपके साथ भी हुआ ना, तो कल को आप भी स्टैंड ले सकते हो खुद के लिए भी, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये रैप है हाँ, सो गाइस ये देखो, ये नया लग रहा है, पुराना लग रहा है, एकदम नया लग रहा है ना, एकदम नया पैटी पैक, कहीं से भी कुछ लग रहा है तो अब इंसान क्या सोचेगा, पुराना है ये, कहीं से पुराना लग रहा है, नहीं लग रहा होगा। तो मैंने यही सोचा ना, मैं घर पे ला के चेक करूँगा इसका हर एक चीज़ है। अब ये यहाँ पे बटन दिया है, बटन भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ये बटन दिया, अब ये यहाँ पे बल्ब जल रही है, तो मैंने ये भी स्टार्ट करके नहीं देखा था कि बल्ब जल रही है, इसकी एलईडी जल रही है, तो मैंने ये भी स्टार्ट करके नहीं देखा था, बट मेरे को लगा हाँ यार एकदम पैटी पैक है तो नया ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट खोलने के बाद इसके पुर्जे पुर्जे अलग हो रहे हैं, या तो इसके ग्लू ख़राब है, या तो किसी ने इसके साथ कांड करके उसके बाद मुझे दिया हो। तो भाई मैं तो देखने नहीं गया था ना, एज अ कस्टमर मुझे नहीं पता ये सब, ये कंपनी का इशू है, कंपनी की प्रॉब्लम है कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई करो उसके बाद सामान दो, दैट्स क्लियर। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 इसको शेयर करो, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और हर एक बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। मैंने कोई गलत नहीं करा है, ना मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं लीगल एक्शन ले रहा हूँ और ये मेरा हक बनता है। तो बस गाइस प्लीज़ हेल्प मी फॉर दिस सिचुएशन, कि यहाँ से मैं निकल सकूँ, कल को मेरे साथ नहीं आपके साथ भी सेम चीज़ हो सकता है, तो प्लीज़ इसको शेयर करो और मेरा सपोर्ट करो, प्लीज़ थैंक यू।
बोल। चावल को